Okay. Now we will do the question number fourth of question number ninth. नाइन्थ का फोर्थ वाला करेंगे हम लोग, ठीक है। नाइन्थ का फोर्थ वाला इस तरीके से बना हुआ है। वी नीड टू फाइंड द पैरामीटर ऑफ दिस। हमको क्या निकालना है बेटा, पैरामीटर निकालना है। ये टोटल एट है, तो इसको देखो बेटा, मैं इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट। ये तीन पार्ट है ना, इसका मैं सेमी सर्किल का पैरामीटर सर्कमफेरेंस निकालूंगा, इस सेमी सर्किल का सर्कमफेरेंस निकालूंगा, ठीक है। जब मैं इनका और इस वाले का क्या निकालूंगा, इधर आपको दिया है थ्री दिया है, दिस इज थ्री, तो दिस इज ऑल्सो थ्री, दिस इज फोर, दिस इज फोर, तो दिस इज ऑल्सो फोर। देखो पैरिमीटर ऑफ फिगर निकालना है हमें, क्या निकालना है, पैरिमीटर ऑफ फिगर। फिगर का पैरामीटर देखिए कैसे निकालेंगे, फिगर का पैरामीटर निकालने के लिए हम लेंथ ऑफ फर्स्ट फिगर प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, इन तीनों का सम कर देंगे। ठीक है बेटा, फर्स्ट वाले सेमी सर्किल है, सेमी सर्किल का सर्कमफेरेंस क्या होता है, पाई डी अपॉन टू। सेकेंड वाला बेटा क्या है, ए इसकी ब्रीथ है और ए इतनी सी लेंथ है बस। सेकेंड वाले में आपको क्या दिख रहा है, आपको है ना, आपको ये दिख रहा है सेकेंड वाले में, थ्री प्लस फोर। और थर्ड वाले में भी गुड मॉर्निंग, आपको क्या दिख रहा है, सर्कमफेरेंस दिख रहा है, तो पाई डी अपॉन, बस इधर डायमीटर अलग रहेगी, इधर डायमीटर अलग रहेगी। पाई की वैल्यू कितनी रखनी है हमें, 3.14, और डायमीटर कितनी दी है, 8/2, 3 + 3 6, 6 + 4 10, पाई की वैल्यू 3.14 और डी की वैल्यू है 4/2। इसको काटेंगे तो ये 4 आएगा, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 और 1 5, 4 3 जा 12 प्लस 10 और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 होता है, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 22.56 प्लस 6.28। इन दोनों को ऐड करेंगे, 6 और 8 कितना होता है, 14, 2 और 5 होता है 7, 7 और 1 8.6 और 2 8 और 2। इसको राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ करेंगे तो क्या बढ़ेगा, 1 प्लेसेस। देखो बेटा ये 4 है, 4 क्या होता है, 5 से छोटा होता है, छोटा है तो इसके पहले वाले में कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, डायरेक्ट 28.8 लिख देंगे, ये आंसर। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए।
टेंथ वाला पढ़िए। हाँ देखिए बेटा, व्हील तो सभी ने देखा होगा, पहिया, ये होता है पहिया, इसका डायमीटर दिया है। बेटा पहले तो हम निकाल लेंगे कि कितना पहिया एक बार राउंड करने पे कितना कवर करता है, एक बार राउंड करने पे कितना कवर करता है, फिर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक बार राउंड करने पे उसका सरकमफेरेंस निकालना पड़ेगा, तो सरकमफेरेंस ऑफ व्हील, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, पाई डी, और डी की वैल्यू डायमीटर कितना है, 28, 22/7 पाई की वैल्यू, और डायमीटर दिया है 28, 7 बन जाए 7, 7 4 जाए 28, ये आएगा 88, ठीक है ना, 88 सेंटीमीटर उसका सरकमफेरेंस आ गया। अब हमें 100 रिवॉल्यूशन में निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस ऐसे लिखेंगे, डिस्टेंस कवर इन 100 रिवॉल्यूशन, 100 रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर होता है वो निकालते, 88 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे बस, तो क्या आ जाएगा, 8800 सेंटीमीटर, इसको मीटर में भी लिख सकते हैं, तो 88 मीटर भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए बेटा, 11th वाला। देखिए बेटा ये वाला आपको सेल्व करना है, कैसे करेंगे मैं बता रहा हूं, इलेवेंथ वाला होमवर्क सेल्व। फर्स्ट पे आपको निकालना है सरकमफेरेंस, सेकेंड पे आपको निकालना है मल्टीप्लाई बाय 4, उसी को किससे कर देना, मल्टीप्लाई बाय 4, जो भी आंसर आएगा उसका 4 से मल्टीप्लाई कर, ठीक है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, 12th वाला। हाँ देखिए बेटा, इसमें लिखा है द डायमीटर ऑफ अ व्हील, डायमीटर दिए हाउ मेनी रिवॉल्यूशन विल इट मेक टू ट्रेवल, 352 मीटर, वो बोल रहा है 352 मीटर में कितना रिवॉल्यूशन करेगा, है ना। देखो बेटा इधर लिखेंगे उसमें नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, इधर सॉल्व डालेंगे, जब भी ऐसा निकालना हो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना हो ना, तो ऐसे करते हैं, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन सरकमफेरेंस ऑफ व्हील, सरकमफेरेंस ऑफ व्हील, ये कर देंगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की उसने, 352, और व्हील की डिस्टेंस ये 352 मीटर है, ये 352 मीटर है, और नीचे बेटा फॉर्मूला क्या होता है, पाई डी,
और डायमीटर किसमें दिया है? सेंटीमीटर में। पहले तो पाई की वैल्यू रख दे, 22/7 इंटू 28 सेंटीमीटर, और ये मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 आ जाएगा। 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 बन जा 7, 7 4 जा 28, ठीक है ना। और इस 4 को बेटा 352 से काटेंगे तो 8 और 8 इंटू 100 अपॉन 20। इस 22 को इससे काटेंगे तो 4 कितना आ जाएगा? 400 रिवॉल्यूशन। कितना आ जाएगा? 400 रिवॉल्यूशन। 400 रिवॉल्यूशन आ जाएगा आंसर। है ना, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना था, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन सर्कमफेरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए बेटा, 13th वाला। उसने बोला 3000 रिवॉल्यूशन एक मिनट में निकालता है, एक मिनट में करता है, है ना। देखो बेटा, पहले हम सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील निकाल ले। सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील क्या होता है? फॉर्मूला पाई डी होता है। फॉर्मूला पाई डी, पाई की वैल्यू 22/7 और डी की वैल्यू 14, तो ये कट गया, ये 44 सेंटीमीटर आया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे बेटा, डिस्टेंस इन 3000 रिवॉल्यूशन, 3000 रिवॉल्यूशन में कितनी डिस्टेंस होगी? फोर्टी फोर इंटू 3000 132000 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है ना सर्कमफेरेंस, इसको मीटर में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1320 मीटर। बेटा 20 हट जाते हैं जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं, पीछे के 20 हट जाते हैं, मीटर में आ गया। अब आपको डिस्टेंस ही 1 मिनट का दिया है, ये कितने का दिया है आपको? 1 मिनट का। अच्छा, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? आपको स्पीड निकालनी है ना, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है? 1320 और टाइम कितना है? 60 सेकेंड। 1 मिनट है ना, तो 1 मिनट को क्या बोलेंगे? 60 सेकेंड। इसको कैंसिल करेंगे, 22, तो क्या आया? 22 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड आ गई। स्पीड ही तो निकालनी थी श्रेयांश, क्या निकालनी थी? चरित्र, स्पीड निकालनी थी ना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए बेटा। थ्री लैख 84,000 समझ गए ना बेटा। देखो इस पे लिखा है मून इस अर्थ से इतनी दूरी पर है, तो ये रेडियस दी है हमें, क्या दी है? जो हमको दी है बेटा वो रेडियस है, क्या है? रेडियस, ठीक है ना। फाइंड द सर्कमफेरेंस पार्ट डिस्क्राइब बाय द मून इन कंप्लीट 1 लूप। देखो बेटा ये आप निकाल लोगे, 14 वाला होमवर्क है, होमवर्क सेल, इसमें सर्कमफेरेंस निकालना है। क्या निकालना है? सर्कमफेरेंस। और सर्कमफेरेंस का बेटा फॉर्मूला लगाओगे 2πr, क्योंकि हमें रेडियस दी है यहां पर। रेडियस कितनी है?
रेडियस दी है 384 00, 384 00 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट 15 क्वेश्चन पढ़िए बेटा। क्वेश्चन किलोमीटर बेटा, इसमें बोल रहा है कि कितने रिवॉल्यूशन ज्यादा करेगा आगे वाला व्हील सेकेंड वाले पीछे वाले व्हील से। देखिए, पहले तो हम नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बाय फ्रंट व्हील, फ्रंट व्हील कितना करता है देखते हैं। फ्रंट व्हील का देखो बेटा, टोटल डिस्टेंस अपॉन सरकमफेरेंस ऑफ व्हील, टोटल डिस्टेंस कितनी है 96 किलोमीटर और सरकमफेरेंस क्या है 10 डेसीमीटर। तो बेटा किलोमीटर को डेसीमीटर में करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो, आपको पता है किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, ये होता है। तो हम किलो से डेसी में जा रहे हैं, तो 1, 2, 3, 4 मतलब 10,000 का मल्टीप्लाई करेंगे, 96 × 10,000 / 10, तो कितना आया बेटा 96,000 रिवॉल्यूशन। कितने रिवॉल्यूशन आए? 96,000 रिवॉल्यूशन। अब पीछे वाले का हम निकालते हैं, पीछे वाले का निकालते हैं नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बाय हिंड व्हील। हिंड माने होता है बेटा पीछे वाला, टोटल डिस्टेंस अपॉन सरकमफेरेंस। टोटल डिस्टेंस कितनी है 96 किलोमीटर, सरकमफेरेंस कितनी है 16 डेसीमीटर। इनको पहले कन्वर्ट कर देंगे उसमें 1, 2, 3, 4 / 16 काटेंगे तो 6, 1, 2, 3, 4 60,000। तो बेटा कितने ज्यादा रिवॉल्यूशन हो रहे हैं? नंबर ऑफ मोर रिवॉल्यूशन बाय फ्रंट व्हील, फ्रंट व्हील कितने ज्यादा रिवॉल्यूशन कर रहा है बेटा। टोटल 96,000 रिवॉल्यूशन कर रहा है और 60,000 रिवॉल्यूशन उसके पीछे वाला व्हील कर रहा है, तो 36,000 रिवॉल्यूशन ज्यादा कर रहा है कौन सा व्हील? आगे वाला व्हील 36,000 रिवॉल्यूशन ज्यादा कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए बेटा। देखिए बेटा, इसमें क्या बोल रहा है
कि एक आदमी है वो तालाब के चक्कर लगा रहा है। तालाब कैसा है? गोल है, और वो जब एक पैर उठाता है उसका एक स्टेप कितने सेंटीमीटर का होता है? 55 सेंटीमीटर का। और उसने टोटल 400 स्टेप्स लगाए, तो तालाब का डायमीटर क्या होगा? तो देखिए बेटा, हमको एक बात बताइए बेटा, एक बात बताना। सरकमफेरेंस, जो सरकमफेरेंस ऑफ पॉन्ड होगा वही उतनी डिस्टेंस उस आदमी ने कवर की होगी कि नहीं? अरे बताओ, उतनी ही डिस्टेंस कवर की होगी ना। डिस्टेंस कवर बाय डिस्टेंस कवर बाय मैन। पॉन्ड का डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई इंटू टी। और डिस्टेंस कितनी? 55 सेंटीमीटर की है। और कितने स्टेप? 400 स्टेप की है। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू डी, 55 × 400। बेटा ये 7 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और 22 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा। 11 5 जा और 11 2 जा, 2 बन जा और 200 जा। 5 7 जा 35, 70, 7000 सेंटीमीटर आया। इसको मीटर में करेंगे तो 70 मीटर आ जाता है। तो डायमीटर कितना है? 70 मीटर। डायमीटर कितना है बेटा? 70 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए बेटा। हाँ तो बेटा इसको आप लोग खुद करेंगे, समझ गए ना? क्योंकि ट्रायंगल का पेरिमीटर और सर्किल का सरकमफेरेंस दोनों का सेम रहेगा, और दोनों को इक्वेट कर देंगे तो आपको डायमीटर मिल जाएगा, है ना? आपको हिंट दी है बेटा, हिंट जैसे ही करना है, बस जो हिंट में दिया उसी को सॉल्व करना है ना? 17 वाला होमवर्क सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। 18 हाँ, ये मैंने ऐसा कहीं करवाया था बेटा। इस क्वेश्चन नंबर 7th पढ़ना, इसका क्वेश्चन नंबर 7th, क्वेश्चन नंबर 7th पढ़ो। तो बेटा ये सेम है ना क्वेश्चन नंबर 7 से जैसा क्वेश्चन नंबर 18। हाँ तो ये भी मैंने करवा दिया है, तो घर पे करता। सेम है इस क्वेश्चन नंबर 7 सेल्फ होमवर्क। नेक्स्ट 19। वो बोल रहा है बेटा, वायर इज इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्किल ऑफ 7 सेंटीमीटर रेडियस, द लेंथ ऑफ द वायर। वायर बेटा सेमी सर्किल के फॉर्म में है, तो उसकी रेडियस हमको 7 दी है ना? तो बेटा इसकी क्या आ जाएगी?
देखो ध्यान से देखना, एक वायर है ऐसे, रेडियस है 7a, 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 आपको पता है बेटा सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्किल, लेंथ ऑफ वायर निकालना है, क्या निकालना है, लेंथ ऑफ वायर। वायर का लेंथ निकालेंगे तो बेटा हम दो रेडियस, एक रेडियस दो रेडियस, उन दो रेडियस को ऐड करेंगे प्लस सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्किल, सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्किल। देखो बेटा रेडियस कितनी है 2 × 7 और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr/2। मैं 2 का डिवाइड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये सेमी सर्किल है, 2 से 2 कट जाएगा, ये 14, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस 7, 7 से 7 गया, 14 + 22 ये 36 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है ना। बाकी के आप करना घर पे ट्राई कर।